हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, और आज मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि रिटर्न का सीजन चल रहा है। तो हमने अपने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताने की कोशिश की थी कि 26A एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल है। जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं, बिना 26A चेक किए रिटर्न नहीं फाइल करें। हमने अपने जो पुराने जो वीडियो था, जो गोल्डन रूल वाला, उसमें भी हमने ये बताया था कि 26AS हमेशा रिटर्न फाइल करने के पहले एक बार चेक करें। आखिर 26AS होता क्या? देखिए, 26AS क्या है, अगर आप किसी भी तरह का कोई नौकरी या किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जनरली आपका TDS कटता है। अगर किसी भी तरह की आप ट्रांजेक्शन करते हैं जो कि एक तरह का आप कह सकते हैं इनकम जनरेट कर रहे हैं, और उस पर अगर किसी तरह का TDS कटता है, तो उसकी जो बैलेंस शीट है, आप कह सकते हैं कि जो आपने इनकम कमाया है, अगर उस पर कोई टैक्स कहीं भी कटा है, ये उसका फुल रिपोर्ट होता है। और जनरली मैंने क्या देखा है, हमारे पास भी छोटा बहुत एक्सपीरियंस इस मार्केट का, लोग रिटर्न फाइल करते समय 26AS चेक नहीं करते। लोग सिंपल अपने या तो फॉर्म 16 या जो उनके पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली फाइल कर देते हैं। होता क्या है इससे? होता ये है, ये भी हो सकता है कि जो 26AS में था वो आपके को पता था, लेकिन बहुत बार होता है कि बैंक में कोई इंटरेस्ट कट रहा है, किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट पे TDS कट रहा है, जो कि आपके फॉर्म 16 या जो आपने रिटर्न फाइल किया उस पर वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, और आपके रिटर्न में मिसमैच हो जाता है। क्योंकि हो सकता था जो आपको TDS पता था 100 रुपीज, और 26AS में 102 रुपये आ रहे थे, तो 2 रुपये के डिफरेंस की वजह से आपका रिटर्न इनवैलिड हो गया। तो देखिए, रिटर्न फाइल करते समय अगर थोड़ी सी आप प्रिकॉशन रखते हैं, तो ये प्रॉब्लम आप नलीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज एक तो आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अगर अमाउंट बहुत बड़ा तो आपको परेशानी भी हो सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर 26AS देखे कैसे, 26AS को अगर आपको डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करें। तो आज मैं इस प्रोसेस को बताने वाला हूँ। हमारे साइड में फोटोग्राफ के थ्रू भी आ रहा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं स्टेप्स, बट मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है, वहाँ पे लिखें incometaxefiling.gov.in। अगर पूरा नहीं भी लिखते तब भी इनकम टैक्स ई फाइलिंग भी लिखते तो वेबसाइट आ जाती है। तो वेबसाइट का पूरा नाम है incometaxefiling.gov.in। सबसे पहले साइट पे जाएं, साइट पे जब जाते हैं तो राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको लॉगिन आता है। अगर आपका लॉगिन है तो लॉगिन करें, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले रजिस्टर्ड करें। अगर लॉगिन है तो लॉगिन पे जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पे एक डैशबोर्ड खुलता है जो साइड में दिख रहा होगा आपको। वहां पे पैन एंड पासवर्ड और कुछ टेक्स्ट होते हैं जो डालने होते हैं। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं, OTP के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। वहाँ बहुत मल्टीपल ऑप्शन आते हैं जिसके थ्रू आप अगर पासवर्ड आप भूल गए हैं तो रीस्टोर कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है रीस्टोर करने, बहुत आसान होता है, इजीली वहीं पे कर सकते हैं, हार्डली 1 से 2 मिनट लगेंगे। जब आपको आपका आईडी और पासवर्ड मिल जाता है और आप लॉगिन करते हैं तो डैशबोर्ड खुलता है, जो आपको दिख रहा होगा डैशबोर्ड खुलता है। डैशबोर्ड में मल्टीपल टैब्स होते हैं, उस टैब में आपको अपने माई अकाउंट में जाना है। सेकेंड का टैब होता है माई अकाउंट। जब माई अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे जैसे स्क्रॉल होता है साइड में, देखें आपको दिख रहा होगा कि वहां पे View 26AS आता है, यानी कि आप 26AS देख सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं उसको बताने की कोशिश करते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक पेज आता है जो कंफर्मेशन के लिए पूछता है कि क्या अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएं। जैसे आप कंफर्मेशन देते हैं एक नया वेबसाइट खुल जाता है बाय डिफॉल्ट, जो ट्रेसेस का वेबसाइट होता है, आपको वो ट्रेसेस पे लेके चला जाता है। ट्रेसेस पे जब लेके जाता है वहां पे 26AS की डिटेल होती है। इनकम टैक्स साइट इसको कुछ नहीं करता, वो लिंक होता है ये ट्रेसेस के पास, जिसको जहां पे TDS और सारी डिटेल जाते हैं ट्रेसेस के पास जाता है, ट्रेसेस के पोर्टल पे लेके जाता है। जब ट्रेसेस के पोर्टल पे लेके जाता है वहां पे फॉर्म 26 का नाम आता है और पूछता है आपसे कि सेलेक्ट करें असेसमेंट ईयर और व्यू। उसमें अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, HTML होता है, PDF होता है, अलग अलग तरह के फॉर्मेट दिखाई देते हैं कि आपको किस फॉर्मेट में देखना होता है। आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना होता है, जिस तरह की चीज़ें आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए वो सेलेक्ट करके क्यों सबमिट करना होता है। ये बहुत ही आसान है, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप क्रॉस चेक करें। इसके 2 फायदे हैं, क्या क्या फायदे हैं? एक ये कि आपको ये तो पता चलता है कि कहाँ कहाँ TDS कटा है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और हो सकता है कि जहां आप काम कर रहे हैं किसी रीजन से आपके एम्प्लॉयर ने TDS जमा ही नहीं किया। ये भी परेशानी बड़ी कॉमन परेशानी है, आपने तो 26AS देखा ही नहीं, आपने तो फॉर्म 16 देखा, फॉर्म 16 में तो दिख रहा था बट 26AS में नहीं दिख रहा था।
या किसी भी तरह का हो सकता है कि टीडीएस गलती से आप में रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो भी हो सकता है, या आपके हो सकता है कि आपने कोई ट्रेड किया हो किसी तरह का कोई, अगर आपने गाड़ी खरीदा है एक सर्टेन अमाउंट के बाद जब गाड़ी खरीदते उसका भी टीडीएस जमा होता है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसमें आ जाती है। तो रिटर्न फाइल करते समय इसके लिए हमेशा कॉशस रहें और 26AS को जरूर चेक करें, बिना 26AS चेक करें रिटर्न फाइल ना करें, ये आपके लिए नुकसान हो सकता है। आप जनरली होता है कि लोग कहते हैं यार मेरी तो यही इनकम होगी, इसके अलावा मेरी कोई इनकम ही नहीं, बैंक के सेविंग अकाउंट से आपको इनकम आ रही है, वहां पे भी हो सकता है कि आपका टीडीएस कट रहा हो। तो हमेशा 26AS चेक करने में हार्डली 5 मिनट लगने हैं, बिना 26AS चेक किए आप कभी रिटर्न फाइल ना करें, अदरवाइज अगर किसी तरह की मिसमैच होती है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मैं हिमांशु कुमार, टैक्स एंड वेल्थ हमारे इस चैनल में है, हमने एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें, साथ के साथ हम प्ले स्टोर और फायर टीवी पे भी अवेलेबल हैं, आप अगर अमेजोन फायर टीवी यूज़ करते तो वहाँ भी आप फाइनेंस सेक्शन में हमारे ऐप को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी तरह की अगर कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट की जल्द से जल्द रिप्लाई भी करेंगे और प्रोफेशनल रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई ही नहीं करेंगे प्रोफेशनल रिप्लाई करेंगे, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।